हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आपके जुलाई के मिड से या एंड से एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनको स्टेट सरकार ने ओबीसी में रख रखा है और सेंट्रल सरकार ने उनको जनरल में रख रखा है, तो वे बच्चे अपना स्टेट का ओबीसी समझ के सेंट्रल में टिक कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल की है। तो अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं तो ही आप ओबीसी टिक करें, वरना जब आप ज्वाइनिंग करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपसे ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो यहाँ पर सेंट्रल का ही लगेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग आगे कर दी जाएगी, और इस वजह से पिछले बैच में 150 के करीब बच्चों को यह नुकसान हुआ था कि उनकी ज्वाइनिंग एक साल देरी से की गई थी, क्योंकि वे बच्चे स्टेट में ओबीसी में आते थे और सेंट्रल में वे जनरल में आते थे, और उन्होंने अपना स्टेट का समझ के ओबीसी टिक कर दिया था, जिसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी और उनका पूरा प्रोसेस हुआ। उसके बाद एक साल बाद उनमें से आधे बच्चों को ज्वाइनिंग दी गई, आधों को उनको नहीं दी गई।